नहीं देता है। और बहाना, इससे बड़ा कोई बहाना नहीं हो सकता कि मेरे पास इतनी बड़ी बीमारी है, मैं कैसे काम करूं, कैसे आगे बढ़े। छोटे मोटे बहाने तो इसके सामने अड़ते ही नहीं। मैं बहुत ज्यादा शेयर नहीं करूंगा, मैं तो अशफाक जी और शाहीन जी से खुद सुनना चाहूंगा कि इस ऐसी बीमारी जो जिसे इसका नाम लेना भी बुरा है, और बीच में आपने देखा होगा कि मैं उठ के गया था अशफाक जी के पास और उनसे यही पूछने गया था कि क्या उनका कंसेंट है कि क्या मैं इस बीमारी का नाम लूं, और क्या आप इस बीमारी के बारे में कुछ अपने बारे में शेयर करने में कंफर्टेबल है। इसका नाम कैंसर है, और कैंसर हो और उसके बाद कोई वर्किंग करे और बहुत कम समय में यूसीडी लेवल अचीव करे और 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम हो, तो सुनना तो पड़ेगा। सुनना चाहूंगा अशफाक जी से ही कि ये कैसे, कब, क्या डायग्नोस हुआ, कैसे आपकी जर्नी रही और रोजाना की वर्किंग क्या रहती है। आप पहले आप। हेलो फ्रेंड्स, बात करने के लिए। और मेरी जर्नी तो अच्छा चल रहा था। मैं जमाल भाई प्लान दिखाए थे और बताए थे कि 1 साल में आप 50,000 का चेक ले सकते हैं। जब 1 साल तक तो मेरा 80,000 का चेक बन गया था। जब ये भी तैयार नहीं थे, मेरे बच्चे भी तैयार नहीं थे बिजनेस करने के लिए, लेकिन मेरे को ख्वाहिश थी करना होती, करना कुछ तो कुछ करना लाइफ में, बच्चों पे बोझ नहीं रहना, अपन कुछ काम करना। मेरे 4 लड़कियां हैं, सबकी शादी हो गई और सब जिम्मेदारी के बाद ये बिजनेस मिला मैं। अगर पहले मिलता तो सर तो ये बात निकले जो चलेगा, अब जो है वो करना है। गोकरण में मैं कभी गई नहीं थी, मेरे को ख्वाहिश थी कि गोकरण यहाँ क्यों नहीं होता हूँ, हैदराबाद में कुछ ये कहते पहले तो तैयार नहीं थे, से करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आप लोग ये गोकरण करें, मेरे को सब मौका मिला आप लोगों से बात करने का, करीब आने का। और जी देखिए, आपका बड़प्पन है, आपने स्टेज पे पहले भी देखा शाहीन जी को, उन्होंने इसके बारे में शेयर नहीं किया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ शाहीन जी, बिजनेस आपने शुरू किया, आप किसी और ने सपोर्ट नहीं किया, और ये कैंसर बीमारी कब डायग्नोज हुई, कब? 1 साल पहले। बिजनेस कब शुरू किया था आपने? 3 साल पहले आपने बिजनेस शुरू कर दिया था। शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि देखिए, लेडीज की अपनी लिमिटेशन होती है, और हर लेडी की है ना। आपने कैसे लिस्ट बनाई, कैसे वर्किंग की, इनका सपोर्ट नहीं था। बहुत सारी लेडीज यहाँ पर आज होंगी, बहुत सारे जेंट्स यहाँ पर होंगे, उनके अपनी लिमिटेशन हैं, उनके अपने बहाने हैं, लेडीज के अपने बहाने अपनी लिमिटेशन हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, और आपने कैसे शुरू किया उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर उसके बाद हम कैंसर पे बात करेंगे। जब मुझे जमाल में प्लान बताने के लिए आए थे, मैं कपड़ों का बुटीक था मेरे पास, जो लेडी मेरे को बताने लाए थे 3-4 महीने टाली में, नहीं अनको मैं नहीं करती मिली उनको, तो ज़बरदस्ती एक दिन रात में ले के आए अंजुम खातून है और जमाल भी आके बताया। मैं बोली मैं नहीं कर सकूँगी, ये सब काम तो मेरे से नहीं होगा, तो बताया कि हम आपको साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे आप, हम बताए ऐसा तो काम करिए आप। हाँ वो तो ज़रूर करेंगे बोलिए। मीटिंग्स करते थे जमाल में, कमाल में मेरे घर पे हर हफ्ता, मैं अपने आप थोड़ा समझाती थी, फिर उसके बाद मीटिंग में कनेक्ट कर लेती थी। लोग मुझे देख के मेरी बात पे भी अपील करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मेरे को चाहने वाले तो सब, अरे आप कर रहे हैं तो हम भी कर सकते बोलिए, जान में जाते लोग मेरे से, ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता हूँ तो बहुत कम लोग बोलते, बोले भी था ना उसको ईजी लगती था, तो कोई दूसरा हाँ पूछते हैं है ना, आप गाड़ी है चेक है, पहले तो कुछ भी नहीं था। पहले अंजुम खातून मेरे साथ चलते थे, कहीं जाना है खबर भाई, इन लोगों से अटैच करा देती थी मैं, कुछ भी नहीं था, नहीं करेंगे बिजनेस करेंगे तो चलिए आप अच्छा ही कर रहे होंगे बोलिए, भरोसा था लोगों को मेरे से, क्योंकि मैं महल में भी कुछ लोग मेरे से बहुत अच्छा रहते, क्योंकि इनकी वालदा नहीं थी, मेरा इंप्रेशन बहुत अच्छा है लोगों में भी, तो मैं सबसे अच्छा रहती हूँ सबसे, कोई बात नहीं भी करा तो उससे बात करती मैं, मेरे को अफसोस नहीं होता, तो जहाँ जाऊँ मैं खाली नहीं आती, कहीं जाती हूँ तो इसी तरह से बोलते ना कि एक मिनट का सो आपको नहीं बोला, अगर
अगर आप उसको नहीं बताएंगे तो आपको हमेशा, अरे मैं उसको बता दे रहा था प्लान, उन्हें बोलता नहीं बोलता। एक बार हम ऑटो में आ रहे तो मैं इनको वाट वाले से ना बात कर रहे थे, उनको पूछे तुम क्या कमाते क्या है, तो उन्होंने बताया मैं सुबह से शाम तक एक ऑफिसर की कार चलाता हूँ, उसके बाद रात में 8 से 12 ऑटो चलाता हूँ। तो मैं इनको बताती हूँ नको नको बोल के, उससे बात हरियप को बता दे तुम बोलते। अब हम आगे नहीं बताने दिए, उससे आगे कर रहे हम सामान भूल गए ऑटो में। किसी के साथ बच्चों के ससुराल में तो सब अपने सप्लीमेंट, अपने जो भी क्या बोलते हैं सब साथ रखी मैंने। बच्चे जा रहे हैं जल्दी जल्दी जा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो फिर मैं उनको ये चीज़ा दे रहा हूँ अपने लगा लगा। तो हम बहुत खुश हो गए, अरे ये तो बहुत अच्छा है, इनकी आप कहाँ से लिए, तो हम ये बिजनेस कर दे। चलो चारों के चारों जैन हो गए, परचेसिंग हो गए। अगर करना चाहे